श्री राम जय बजरंग बली हर हर महादेव। आज जो हमारे वेंचलन में आए और ये मिनी इंडिया कहलाता है। आज यहाँ महादेव शंकर भोलेनाथ की आपको दिखाएंगे। लास्ट सोमवार का हवन है, यज्ञ चल रहा है, तो हम उसकी कवरेज के लिए आए और हमें खासतौर पर मोहन भाई ने इनवाइट किया था, तो सब्सक्राइबर ने हमें बुलाया है, तो बहुत अच्छा लगता है। बस प्यार करते तो हम आते, बस ऐसे हमारे सब्सक्राइबर हमें प्यार करते रहे, हम आते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे आप लोग के लिए। तो वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। तो जय श्री राम जय बजरंग बली। अब हम शुरू करते हैं वीडियो, तो देखते रहिएगा। जय श्री राम। और ये महादेव शंकर भोलेनाथ का बहुत ही सुंदर राजा आखिरी हवन यज्ञ है श्रावण का, तो ये रेंचल एंड मिनी इंडिया कहलाता है और यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ये हवन यज्ञ रखा गया है, हम आपको दिखा रहे हैं। ये श्रावण महीने का उपवास होता है, चार शुक्र श्रावण में सोमवार पूरे हो गए, तो हमने हवन रखा हुआ है शिव भोलेनाथ का, तो सबको दावत दी है, सब आए, अच्छा लगा, सबने मिलजुल के हमने हवन किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राम जय शंकर। हम शंकर भगवान के श्रावण चल रहे हैं, तो आज इनका समापत है, हवन है, तो आज हम सब मिलकर इनका हवन कर रहे हैं और इनकी कृपा हम सब पे बनी रहे, बस यही दुआ है। जय शंकर। जय शंकर, सदाई शंकर। रवि भाई को सेवा दो भाई, इनकी सेवा तो बहुत है, हम कर नहीं सकते, लेकिन धन्यवाद आपको, आपको तक अब तक कितनी बार दिखा के आते हैं प्रोग्राम कम्प्लीट करते हैं और भगवान की कृपा से रवि भाई के प्रोग्राम कब तक दिखा रहा हूँ, कभी और परसू कल आ जाएगा लगातार प्रोग्राम, हवन पूजा यहाँ होगी ना, क्या खड़े लेके ये अपने लगातार रवि चैनल को कम्प्लीट कर रहे हैं, वो कह रहे कल ही आप देख लेना नहीं। थोड़े बहुत भजन गाए बेबी ने, आप लोग को अच्छे लगेंगे, कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। तो जय श्री राम जय बजरंग बली हर हर महादेव। ये छोटी सी बेबी जो है दक्षिणा हमारे साथ मौजूद थी, जिसने आपको भजन सुनाए शिव महादेव जी के, अभी है या आसड़े होंगे तो हम रासड़े की थोड़ी सी कवरेज दिखाएंगे और हमारे मोहन भाई भी सेवा से जुड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं सनातन धर्म के कार्य से और आपको अच्छा लगेगा, बहुत जुड़े रहिएगा। तो ये प्रसाद मिल चुका है, गणपति गणेश महाराज जी का लड्डू है हमारे हाथ में,
देखें आपको दिखा रहे हैं लड्डू का प्रसाद। तो जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। मैं संजय सिन्हा चावड़िया रणछोड़ से, नारायणपुरा से। आप ये देख रहे हैं हमारे रणछोड़ नारायणपुरा में भोलेनाथ महाराज का, मतलब भोलेनाथ का कार्य हो रहा है। हवन कार्य का प्रोग्राम रखा है हमने यहाँ पे श्रावण मास का। हर साल मेरे वाली साहब करते हैं प्रोग्राम, तो वो इस वक्त वो हमारे बीच में नहीं है, तो वो पूरी सेवा का कार्य मुझे देखे गए हैं और मैं इस कार्य को कर रहा हूँ। मेरी पूरी टीम मेरे साथ है, मेरे इलाके वाले, मेरे मोहल्ले वाले मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं और हम लोग ये आए के लिए हर साल ये काम करते हैं, सही है ना। और ये भोलेनाथ का काम करते हैं, महादेव शिव शंकर भोलेनाथ का। हर साल श्रावण मास का प्रोग्राम आते हैं, हम सब मिल के इलाके वाले, हमारे दोस्त यार, मेरे तमाम जो संगति लोग हैं, मेरे तमाम मतलब जो मतलब इलाके वाले बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे घर वाले और मेरी तमाम फैमिली वगैरह सब पूरे हम लोग काम करते हैं मिल बांट के। और मतलब ऐसे ही जिंदगी रही तो हम लोग करते रहेंगे प्रोग्राम, जब तक हयात है, सही ना, मर गए तो कुछ कह नहीं सकते। जय शंकर। मुझे इतनी दूर से आवाज मारी, आंटी आंटी मैं आपकी सब्सक्राइबर हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा मुझसे मिली। तो अभी ये भी बात करेगी आपको, मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है ये माता की, ये आंटी मिली है, इनकी वीडियो बहुत अच्छी जाती है और यहाँ पर भी आए, इनकी हमारे यहाँ पास है तो इन्होंने वीडियो बनाने के लिए आए थे। इनको सब्सक्राइब करे, लाइक करे, कमेंट करे और लता रवि के को बहुत आगे बढ़ाए क्योंकि हमारी वीडियो आगे आगे और बढ़ाते जाए। थैंक यू, थैंक यू बेबी, थैंक यू बेबी, बोलेगी बेबी। और जय शंकर, नहीं बोल रहे। हमारे साथ मौजूद है फनकार है ये हमारे रमेश गोविंदा भाई, तो आज इनके घर पे हम रेंचलैंड में आए थे, तो और यहाँ पर आके हम प्रोग्राम कर रहे थे तो हमें लेकर आए अपने घर पे, इनके घर पे हम बैठे हैं। इन्होंने हमारे बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया और प्रसादी भी करवाई, तो धन्यवाद इनका। तो इनसे कोई भजन सुनेंगे आज हम। भाइयों और बहनों, ये जो लता रवि चैनल है मैं इनको बहुत लाइक करता हूँ और ये बहुत सेवा का काम करते हैं, हर जगह भंडारा भजन प्रोग्राम जितने भी होते इवेंट प्रोग्राम, इसमें बाकायदा वहाँ
शाना पशाना रहते हैं, काम करते हैं, सेवा का भी काम करते हैं और इनका चैनल बहुत अच्छा है और इसी तरह से ये काम करते हैं। धन्यवाद, आज मेरे घर पे ये लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं तो मैं इनको धन्यवाद कहता हूँ और मैं इनके चरण कमल को छूता हूँ क्योंकि ये बड़ा प्यार करते हैं और हमारे जैसे सिंगरों की बहुत कदर करते हैं। मेरा नाम रमेश गोविंद घोषणादिया और ये मेरी वाइफ हैं। इनका अभी देहांत हुआ था लेकिन इनकी जो है हमारे साथ साथी हैं हमारे और हमेशा हमारे साथ रहती हैं। ये एक सॉन्ग मेरी अपनी वाइफ के लिए लिखा है जो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उसकी मौजूदगी उसका प्यार पूरे बच्चों को अभी तक याद आता है। एक सॉन्ग मैंने बनाया है मेरी वाइफ के लिए जो कि अभी अनकम्प्लीट है, बहुत जल्द आपके लिए मैं वो गाऊंगा और मेरी वाइफ की उसमें यादें हैं, वो मेरे दिल की आवाज़ है, आप लोग सुनिएगा। वो यादें अधूरी रह गई, वो बातें अधूरी रह गई, मन की बात मन में रह गई, कुछ कहते कहते रुक गई, तेरी याद तस्वीरें रह गई, अब घर में तस्वीरें रह गई, मालिक ने कुछ ऐसा लिखा, मालिक ने क्या खूब लिखा, खुशियों के संग एक गम भी लिखा, एक गम भी लिखा। वो गम ऐसा था कि वो जब पहले दिन मेरे घर आई खुशियों बनकर, मेरे घर में बाहर बनकर वो मेरी तकदीर में आई और मुझे प्यार किया, खुश रही, बच्चे मेरे बच्चे परिवार उन्होंने इस घर में हमारे बच्चों के साथ बड़ा प्यार किया, मोहब्बत की और लेकिन उनकी यादें अभी भी हमारे दिलो दिमाग में हैं और बहुत सुशील औरत थी, बहुत प्यार करती थी परिवार से और पूरे ख़ानदान में। हमारे परिवार में कोई शादियां होती थी तो वो खुद कहती थी कि इस घर में शादी रखो और कभी कोई मौत मट्टी हो जाती थी तब भी वो ये कहती थी कि मेरे घर पे रखो। तो भगवान की बहुत नेक औरत थी और भोलेनाथ कृष्ण की और महादेव की, राम भगवान की बहुत पुजारण थी। तो आज जो कुछ भी हैं उनकी बदौलत से हम लोग, मेरे माँ बाप गोविंद महाराज और मेरे माता श्री मूलीबाई, मेरे वालिद साहब भी एक संगीतकार थे और मेरे वालिद साहब की वजह से आज हम मैं जो कुछ भी हूँ मेरे वालिद साहब की वजह से मैं गा रहा हूँ। मेरे बड़े भाई छगन भाई, किशन भाई, तुलसी भाई, ये सारे संगीतकार थे, उनको देख के मैंने गाना सीखा। मेरे परिवार में तीन लड़कियां हैं और तीन लड़के हैं। धर्म पत्नी है जिनका ध्यान हो गया और इनके लिए ज़रूर आप लोग जो प्रार्थना कार्य कीजिएगा कि भगवान की आत्मा को शांति दे और इनको भगवान के चरण कमल में जगा दे। तो ये बहुत ही सुंदर बात और बहुत ही अच्छा आपने देखा, उन्होंने अभी गाना लिखा है इनके लिए, तो हमें सुन के हमें भी बहुत दुख हुआ कि वो इनको छोड़ के चले गए, उनके दिलों में बसती हैं और हमेशा बसती रहेंगी। तो जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। गाना सुन के मैं भी दुखी हो गई, बहुत अच्छा गाना लिखा, बच्चों के लिए भी ये बस पूरा हो जाएगा तो फिर मैं आऊंगी वापस जब पूरा गाना गाएंगे फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, और रिकॉर्ड हो रहा है बच्चों के साथ। तो बस शांत बहन के लिए बस प्रार्थना करना, बस अच्छी जगह मिले, बस चरण कमलों में भगवान के, बस मुझसे और बोला नहीं जा रहा।
आपने देखा कि आज हम रैंचलन नारायणपुरा और ये मिनी इंडिया है हमारे लिए, क्योंकि कराची के अंदर ये पूरी आबादी जो है हमारी हिंदू फैमिली तमाम इस पहाड़े में रहती है और बहुत बड़ा पहाड़ा है, तकरीबन 400-500 घर यहाँ पर है और ये हर त्यौहार इवेंट बहुत शानदार तरीके से मनाया जाता है यहाँ, और आपको हम हर कवरेज करने की कोशिश करते हैं आके यहाँ पर आपको दिखाते हैं। तो आज की भी कवरेज हमने हवन जो था श्रावण मास, श्रावण का हवन जो था सोमवार के, वो आज व्रत पूरे हुए हैं तो उसका हवन यज्ञ था। तो हमारे सब्सक्राइबर है मोहन भाई, तो उनके कहने के पर आज हम यहाँ आए और इसके कवरेज किए, तो आप लोग देखें, देख कर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर पसंद आए तो आगे शेयर भी कीजिएगा। तो जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। को लता जी बोलेंगे बस अच्छा लगेगा आप लोग को, बस कमेंट सब्सक्राइब करना, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं तो जब भी पूजा पाठ में आती हूँ मुझे बहुत अच्छा, और ये बहुत बड़ा मोहल्ला है, यहाँ भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा और हम बनाते रहेंगे इस मोहल्ले के। आप लोग को अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताओगे तो फिर दोबारा इस मोहल्ले में हम आएंगे और लोगों से भी मिलाएंगे आप लोग, इनके घरों में भी जाऊँगी मैं आप लोग के लिए, अगर कमेंट करोगे तो। जय श्री राम।